के यानी कि केंद्रीय विद्यालय ने यहाँ पर बड़ी संख्या में लगभग तेरह हज़ार पदों पर एक वैकेंसीज निकाली अब ये जो वैकेंसी निकाली वो अलग अलग पोस्टों पे है जैसे प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल है टी के टीचर हैं या फिर पी के जो टीचर हैं लाइब्रेरियन हैं और दूसरे जो अकाउंटेंट से संबंधित जो अलग अलग पोस्ट है उस अलग अलग पोस्ट पर के ने यहाँ पर वैकेंसीज निकाली है अब इस वैकेंसीज का ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है तो उस नोटिफिकेशन के यदि आप लोग समझना चाहते हैं देखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल पर जाकर आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं उसमें पूरी जानकारी यहाँ पर दी गई दी गई है टी और पी के लिए तो अब आप लोग नोटिफिकेशन तो जारी हो गया अब ऑनलाइन फॉर्म आप लोगों को भरना है तो आप, तो आप लोग घर बैठे किस प्रकार से ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं घर बैठे तो इस वीडियो में आज लो हम लोग जानेंगे तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना होगा के लिख के सर्च करेंगे तो इस प्रकार का पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा इससे पहले यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि विभिन्न प्रकार की जो भर्तियाँ निकलती है उसको ऑनलाइन फॉर्म किस प्रकार से भरना है उसकी वीडियो मैं यहाँ पर बनाता रहता हूँ ताकि इसकी जो न्यूज़ हो सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे तो यहाँ पर के लिखने के बाद में इस पेज यहाँ पर ओपन हो जाएगा यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है टू अप्लाई टू डायरेक्ट फॉर डायरेक्ट इस वाले ऑप्शन में यहाँ पर सिंपली क्लिक करना है इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने का जो लिंक है लिंक आपके सामने यहाँ आप ओपन हो जाएगा अब देखिए यहाँ पर चार तरह के फॉर्म आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे जैसे सबसे फर्स्ट वाला है प्रिंसिपल्स के लिए तो हम कोई यदि आप लोग प्रिंसिपल के लिए बनना चाहते हैं तो भर सकते हैं मेनली हम लोग बात करेंगे टीजी टी और पीजी के लिए तो देखिए टीजीटी के लिए सेकेंड वाला ऑप्शन है और टीजीटी के लिए थर्ड वाला ऑप्शन है और लाइब्रेरियन और जो दूसरी नॉन टीचिंग स्टाफ की जो पोस्ट है उसके लिए आप लोग लास्ट वाला ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं तो फिलहाल मैं किसी भी एक ऑप्शन को जो आप सेलेक्ट कर लेता हूँ मान लीजिए मैं टीजीटी यानी कि ट्रें, ट्रेंड ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर और जो प्राइमरी टीचर होते हैं वो किस प्रकार से ऑनलाइन फॉर्म फॉर्म भर सकते हैं देखिए फॉर्म भरने का जो प्रोसेस है वो सभी पोस्टों के लिए पर सेम है तो एग्जांपल के लिए यहाँ पर मैं टीजी ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक करता हूँ यहाँ से आप लोगों को ओके पर क्लिक कर देना है तो उसके बाद में यहाँ पर इस तरह तो के आपके सामने पेज ओपन हो जाएगा अब देखिए यहाँ पर आप लोगों को दो ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे एक तो यदि आप लोगों ने पहले रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर डालना है पासवर्ड डालना है उसके बाद में साइन इन कर देना है यदि आप लोगों ने के की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन नहीं कर सक कर रखा है तो आप लोगों को सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा तो इसके लिए देखिए यहाँ पर साइड में एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है न्यू रजिस्ट्रेशन तो इस वाले ऑप्शन पर आपको सिंपली क्लिक करना है क्लिक करने के बाद में यहाँ पर एक डाउनलोड इनफॉर्मेशन ब्लूटिन है या कुछ डिटेल दी गई है यहाँ से आप उसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं यदि आप लोग उसको नहीं पढ़ना चाहते तो हम लोग आगे बढ़ते हैं देखिए यहाँ पर फीस रखी हुई है फीस या पी जी वालों के लिए पंद्रह और पीजीटी वालों के लिए भी सॉरी पंद्रह सौ रुपये यहाँ पर फीस रखी गई है इसके तो निच नीचे हम लोग यहाँ पर स्कूल करेंगे और स्कूल करने के बाद में यहाँ से इसको क्लिक करना है क्लिक करने के बाद में क्लिक है या टू प्रोसेस इस पर क्लिक कर देना है उसके बाद में देखिए इस तरह की आपकी जो पर्सनल डिटेल पर्सनल एड्रेस और परमानेंट एड्रेस पासवर्ड आप लोगों को यहाँ पर बनाना है और सिक्योरिटी पिन नंबर डाल के बाद में सबमिट पर क्लिक करना है तो ये जो एक बार जो सारी डिटेल है डिटेल मैं आपको फिलअप करके बताता हूँ तो देखिए यहाँ पर मैंने जो पूरी डिटेल थी सिंपल सी डिटेल है वो डिटेल आप लोगों को यहाँ पर भर लेनी है आप नीचे यहाँ से आप लोग नीचे अपना एड्रेस जो एड्रेस है यहाँ पर भर लीजिएगा यहाँ पर आप लोग ई एड्रेस डालना बहुत ज़रूरी है और मोबाइल नंबर डालना भी जरूरी है क्योंकि इस पर रजिस्ट्रेशन होने के बाद में आपका एडमिट कार्ड की जो इन्फॉर्मेशन वो इसी पे इंफॉर्मेशन आएगी ज्वाइनिंग की जो इन्फॉर्मेश सभी इसी ई मेल आई डी और इसी मोबाइल नंबर पर आएगी तो ईमेल आईडी डालना और मोबाइल नंबर डालना और इसको आप लोगों को बोलना नहीं है उसके बाद यहाँ पर आपको फिर से इस पर टिक कर देंगे तो जो ऊपर आपने जो एड्रेस भरा था वो एड्रेस नीचे आप सेम टू सेम शो हो जाएगा यहाँ पर आप लोगों को पासवर्ड बनाना है देखिए पासवर्ड बनाने के लिए कम से कम आपको आठ करैक्टर चूज़ करना है और इसमें से अल्फाबेट के जो न्यूमेर अल्फाबेट प्लस न्यूमेरिकल और एक स्पेशल करेक्टर मिलाकर ऐसे आपको यहाँ पर आप लोगों को एक पासवर्ड बनाना है जैसे आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा इस तरह का आप लोग जो स्पेशल जो पासवर्ड होता है वो पासवर्ड आप लोगों का बनाना है उसके बाद में यहाँ पर एक क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेना कोई सा भी क्वेश्चन सेलेक्ट कर करिए जैसे आपके फर्स्ट स्कूल का नाम क्या था या फिर पेट का नाम क्या था फेवरेट बुक कौन सी है तो इससे क्या होगा यदि हम लोग कभी पासवर्ड भूल जाते हैं तो यहाँ पर वापस से रिकवर करने के लिए पासवर्ड को इस क्वेश्चन की आपको आवश्यकता पड़ती है तो कोई सा भी एक लोग अपने हिसाब से आप लोग क्वेश्चन सेलेक्ट कर लीजिएगा उसके बाद में ये जो केप्चा दिखा है कैप्चा यहाँ पर डालना है और सिंपल से आप सबमिट का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा इस सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है उसके बाद इस का आपके सामने मैसेज शो हो जाएगा आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे ओटीपी जाएगा वो ओटीपी आप लोगों को यहाँ पर डालना है तो एक बार देख लीजिए ये जो डिटेल आप लोगों ने भरी वो सही होनी चाहिए एक बार आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया है तो इसमें आप लोग बिल्कुल चेंज नहीं कर सकते हैं यदि कुछ गलती अत्यगी हो तो आप लोग एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर क्लिक करना है और यदि बिल्कुल सही है तो सबमिट एंड सेंड ओ टी पी पे क्लिक करना है तो यहाँ से इस मैसेज को हम क्लोज कर देंगे उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को ये जो चेक बॉक्स दिख रहा है माई नेम फादर्स नेम मदर्स नेम डेट ऑफ बर्थ जन जेंडर एड्रेस इन सब पर आप लोगों को यहाँ पर टिक करना है टिक करने का मतलब है कि ये सारी जो जानकारी आपने ऊपर जो भरी वो बिल्कुल सही है तो उसके बाद में आपको नीचे आई एग्री पर टिक करना है और उसके बाद में सबमिट एंड सेंड ओ इस वाले ऑप्शन पर सिंपली क्लिक करना है जिस पर आपको क्लिक करना है उसके बाद यहाँ पर आपका रजिस्टर जो मोबाइल नंबर दिया गया था उस मोबाइल नंबर पर यहाँ पर ओ आएगा ओ आप लोगों को यहाँ पर फिल अप देना है तो जो ओ आया मैं यहाँ पर एक बार ओ डाल देता हूँ ओ डालने के बाद में सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है उसके बाद में देखिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपका कंप्लीट हो चुका है अब एप्लीकेशन फॉर्म इनकम्प्लीट है और जो फीस की जो पेमेंट है वो यहाँ पर इनकम्प्लीट है यहाँ पर देखिए एप्लीकेशन नंबर आपके यहाँ पर शो हो चुके हैं आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे ये ईमेल आईडी पर भी ये जो एप्लीकेशन नंबर लिखे वो एप्लीकेशन नंबर चले गए होंगे वहाँ से भी आप लोग उसको देख सकते हैं तो अब हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और अपना जो फॉर्म है फॉर्म कंप्लीट करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं तो यहाँ से देखिए कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म इस वाले ऑप्शन में सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है क्योंकि इसमें जो फॉर्म है फॉर्म थोड़ा सा लंबा चौड़ा है तो उसको बने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है तो आप लोग इस वीडियो को लगातार कंटिन्यू देखते रहिए बिना स्किप देखिए क्योंकि कोई बीच में कोई ऑप्शन छूट गया तो आपको समझ में नहीं आएगा तो यहाँ से हम लोगों को पर्सनल डिटेल इस वाले ऑप्शन में यहाँ पर सिंपली क्लिक करना है पे क्लिक करने के बाद में आप लोगों ने जो फॉर्म भरा था वो फॉर्म की जो डिटेल है यहाँ पर ऊपर ओपन हो जाएगी और इसमें से कुछ नए ऑप्शन और आपको चुनने हैं वो आपको यहाँ से जो एक एक सेलेक्ट करना है जैसे नेशनलिटी इंडियन सेलेक्ट कर लीजिए उसके बाद में डोमिशियल स्टेट यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेना है ये कह रहा है कि जम्मू और कश्मीर से तो आप लोग संबंधित नहीं है तो यहाँ पर फिलहाल मैं नो कर देता हूँ कैटेगरी आप लोग यहाँ से सेलेक्ट कर लेना जो भी आपकी कैटेगरी है यहाँ से जैसे ये सेलेक्ट कर लिए उसके बाद में आर यू डिफरेंटली एवलेबल्स इस पर हम लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे उसके बाद में यदि आप में कोई कमी है जैसे कोई विकलांगता है तो विकलांगता के लिए आप लोग येस करना है वरना आप लोगों को नो कर देना है येस करेंगे तो और भी ऑप्शन खुल जाएंगे तो आप लोग जो भी विकलांगता है जैसे हाथ पैर से है आँख से है मुँह से हैं, जो भी है वो आप लोग को यहाँ पर भर देना है उसके बाद यदि आप लोग एक्स एक्सरव्यूसमेंस है तो येस करना वरना नो कर देना है फिर विजुअल आइडेंटिफाइक्स आइडेंटिफिकेशन मार्क्स यानी कि आपके शरीर पर कोई चेहरा है चेहरे के ऊपर या फिर किसी बॉडी के ऊपर कोई मार्क्स तो आप लोग मार्क्स यहाँ पर लिख सकते हैं जैसे मैं टाइप कर देता हूँ जैसे एक मार्क्स है तो मॉल ऑन नियर आई आप भी आपके शरीर पर भी ऐसा कुछ जो मार्क्स है तिल का निशान है या फिर चोट का निशान है वो आप यहाँ पर, पर सेलेक्ट कर सकते हैं मेरे से स्टिल सिंगल मेरिट जो भी आप लोग यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है उसके बाद में जो सिक्योरिटी पिन आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं इस पर यहाँ पर ये टाइप कर लेना है और टाइप करने के बाद में यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना है जैसे आपको इस बटन पर क्लिक करना है, रहा है उसके बाद यहाँ पर इस तरह के पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा आप देखिए यहाँ से आप लोग को किस पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई कर रहे हैं वो यहाँ पर आप डालना है हिंदी अंग्रेजी एस एस टी साइंस संस्कृत मैथ्स किसके लिए कर रहे हैं तो यहाँ से आप लोग को सेलेक्ट कर लेना है उसके बाद में यहाँ पर आप लोगों को चार एग्जाम सिटी के एग्जाम सेंटर सेलेक्ट करना है तो यहाँ से आप लोग अपने स्टेट सेलेक्ट कर तो से लेना है और उसके बाद में यहाँ से उस डिस्ट्रिक्ट के नाम शो हो जाएंगे अब जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आप लोग एग्जाम सेंटर बनाना चाहते हैं तो उस डिस्ट्रिक्ट को आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा इसी तरीके से आप लोगों को चार जो एग्जाम सेंटर चार एग्जाम सेंटर सेलेक्ट करना है उसके बाद में है कि आप क्या आप हिंदी और इंग्लिश मीडियम में पढ़ा सकते हो तो आपको यस करना है हिंदी और इंग्लिश की नॉलेज इसमें भी यस करना है और कंप्यूटर नॉलेज इसमें भी यस करना है उसके बाद में फिर तो uh... से ये जो कैप्चा है कैप्चा डालना है और कैप्चा डालने के बाद में नेक्स्ट पर क्लिक करना है फिर से आपको यस पे क्लिक करना है उसके बाद यहाँ पर इस पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा यहाँ पर आप लोगों को अपनी जो एजुकेशन जो क्वालिफिकेशन है उसकी डेटा यहाँ पर आपको फिलअप करनी है अब देखिए क्वालिफिकेशन फिलअप करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर आपको पास सेलेक्ट करना होगा उसके बाद में किस ईयर में आपने पासिंग करिए उसके बाद कोर्स ने आपको सेलेक्ट कर लेना कि आपने कई जो रीजनल कॉलेज है वहाँ से किया है तो निचला ऑप्शन सेलेक्ट होगा और वहाँ से नहीं किया तो ऊपर वाला ऑप्शन सेलेक्ट होगा तो उसके बाद यहाँ पर एनी रीज़न ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है यहाँ पर आप लोग अपनी यूनिवर्सिटी का नाम लिख देना है यहाँ पर आप लोग परसेंटेज में आपकी जो डिग्री आई है या फिर ग्रेडिंग टाइप में डिग्री आई है तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर परसेंटेज में है तो यहाँ से आप लोग का जो टोटल मार्क्स लिखना है उसके बाद टोटल मार्क्स में से कितने आए वही लिखना है यहाँ पर परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाएंगे यहाँ पर आप लोग को सब्जेक्ट लिखना है ठीक इसी तरह से बी की जो क्वालिफिकेशन है यहाँ से आपको पास सेलेक्ट कर लेना है पासिंग ये सेलेक्ट करना है कोर्स का नाम सेलेक्ट करना है रिकोनाइज यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करना है यहाँ पर आपको यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है परसेंटेज मोड सेलेक्ट करना है यहाँ पर परसेंट नंबर्स लिखना है और उसके बाद में आपके पास जो जो सब्जेक्ट थे बीएड के अंदर जो बीएड एड की मार्कशीट पर देख लेना है आप लोगों को वो सब्जेक्ट यहाँ पर टाइप कर देना है उसके बाद में ये सिक्योरिटी कोड फिर से डालना है और सेवन एक्सट पे क्लिक करना है उसके बाद में येस पर क्लिक करना है उसके बाद में यहाँ पर आपको सी टेड की जो डिटेल डिटेल यहाँ पर फ्लिप करनी है सबसे सब फर्स्ट ऑप्शन दे रहा है कि आप के वी सी एम्प्लॉई है ये है तो ये करना आपके नो कर देना ये मैं नहीं तो नो कर देता हूँ उसके बाद में जो सी एट है वो मैंने क्लियर कर रखी तो मैं यस पे सेलेक्ट कर लूँगा उसके बाद में नेक्स्ट पर क्लिक करें यस पे क्लिक करेंगे तो तीन ऑप्शन आपको नीचे और खुल जाएंगे यहाँ पर आपको किस ईयर में आप लोगों ने जो सी टेट क्लियर करी होती यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है उसके बाद उसको नंबर डालना है और यहाँ पर पेपर सेकंड सेलेक्ट करना है उसके बाद यहाँ पर नीचे जो कैप्चर डालना है और कैप्चर डालने के बाद में सेवन एक्स्ट पर क्लिक करना है उसके बाद में आपको यहाँ पर अपने सिग्नेचर और जो फोटो वो दोनों अपलोड करने होंगे तो जो जो फोटो है वो सौ दो सौ के बीच से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और जो सिग्नेचर है वो चार के बी से तीस के बी के बीच में होना चाहिए तो फोटो के लिए आप लोगों को ये ब्राउज पे क्लिक करना है और जहाँ पर भी आपको फ़ोटो सेव हो चाहे आपके डेस्कटॉप पे हो चाहे आपके मोबाइल में हो उस तो वाले फोल्डर में आपको जाना है और जाने के बाद में जहाँ पर भी आपकी जो फोटो और सिग्नेचर अपलोड है वहाँ पर आप लोगों को क्लिक कर लेना है जैसे यह, यहाँ से मैंने ये सेलेक्ट कर लिया है ये सेलेक्ट करके बाद आपको क्या करना है जिसे देखिए अपलोड ओरिजिनल इसल ऑप्शन पे क्लिक कर देना है उस पर क्लिक करने के बाद अपलोड वाला ऑप्शन में इस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना तो ये जो फोटो है फोटो आप लोगों के यहाँ पर अपलोड हो जाएगी यहाँ से आप लोगों को सक्सेसफुली का मैसेज हो जाए आ जाएगा ओके कर देना है उसके बाद में यहाँ पे फिर से आपको सिग्नेचर सेलेक्ट करना है और सिग्नेचर पर यहाँ पर टिक कर देना है ये ओपन कर लेता हूँ अपलोड ओरिजिनल पर क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं अपलोड कर लेता हूँ तो सिग्नेचर और फोटो जो सक्सेसफुली का मैसेज यहाँ पर सक्सेसफुली का मैसेज आ चुका है यहाँ से आप लोगों को जो ये जो किप्चर दिखाई दे रहा है इस कप्चर को यहाँ पर सिंपली टाइप कर देना है और टाइप करने के बाद में सेव एंड एक्स्ट पर क्लिक करना है यस पे क्लिक कर देना है अब देखिए यहाँ तक अपना जो प्रोसेस है प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है अब आप लोगों को फाइनल सबमिट यानी कि फ़ीस भी आप लोगों को यहाँ से कटवानी होगी यदि आप लोग एस सी है तो आपके लिए फ्री है बाकी जनरल और ओ वालों की यहाँ पर फीस कटेगी तो यहाँ पर देखिए फाइनल सबमिट पर क्लिक करना है तो आप लोगों को ये जो ऑप्शन है इसको यहाँ पर क्लोज कर देना है आपने जो फॉर्म भरा है अभी तक इस फॉर्म की जो सारी डिटेल है आप लोगों के स्क्रीन पर एक बार दिखाई देगी इसको आप लोग एक बार अच्छी तरह से चेक कर लेना है इसमें कोई करेक्शन करने की ज़रूरत तो नहीं है यदि करेक्शन करने की ज़रूरत है तो आप लोगों को बैक जाकर इसको करेक्शन कर सकते हैं यहाँ से फिर से आप लोग देखिए इस पर पे टिक करना होगा कि मेरे द्वारा जो जानकारी भरी गई है ये सारी सही जानकारी है यदि आप लोग इस पर टिक नहीं करेंगे तो ये फॉर्म आगे नहीं बढ़ेगा तो सब सब पे टिक कर लेना है और टिक कर लेने के बाद में आई एग्री पे क्लिक करना है और फाइनल सबमिशन फॉर एप्लीकेशन इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है आपको ये पे क्लिक करना है इस तरह से आप लोग अपना जो फाइनल सबमिट है वो फाइनल सबमिट कंप्लीट कर सकते हैं अब देखिए एप्लीकेशन जो फॉर्म है वो कंप्लीट हो चुका है रजिस्ट्रेशन भी मैंने कंप्लीट कर लिया है अब आप लोगों का फीस जो पेमेंट है वो फीस पेमेंट यहाँ पर कटवानी है यदि आप लोग एस सी एस टी कैंडिडेट होते हैं तो फीस पेमेंट आपको कटवाने की आवश्यकता नहीं है लेकिन जनरल और ओ बी सी वालों की यहाँ पर फीस जो फीस है वो फीस यहाँ पर लगेगी तो आप देखिए यहाँ पर इनकम्प्लीट लिखा हुआ है फीस तो अब हम लोगों को यहाँ पर फीस का जो चलाना है वो चलान यहाँ पर कटवाना होगा अब देखिए फीस का ऑप्शन ये अभी खुल नहीं रहा है इसलिए नहीं खुल रहा है क्योंकि अभी तक मैंने अपनी जो ईमेल आईडी है वो वेरीफाई नहीं किया है मोबाइल नंबर तो ओ टी पी वेरीफाई कर दिया है लेकिन ईमेल आईडी वेरीफाई नहीं की है तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर ईमेल आईडी वेरीफाई करना है यहाँ पर लिखा हुआ है योर ई मेल वेरीफाइड इस वाल ऑप्शन पर क्लिक करना है में तो देखिए इस तरह का पेज आपके सामने ओपन होगा आपको यहाँ पर क्या करना है जो कैप्चा दिखाई दे रहा है ये कैप्चा आप लोगों को यहाँ पर एक बार फिलअप देना है और ये फिलअप करने के बाद में आपकी जो ईमेल आई है उस ई मेल के ऊपर ई uh, मेल के ऊपर आपको एक मैसेज गया होगा उस मैसेज में क्लिकिंग है लिखा हुआ होगा उस क्लिकिंग है यहाँ पर आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है तो यहाँ पर जो ई मेल है वो ई मेल आई पर वेरीफाई हो जाएगी ई मेल आई वेरीफाई होने के बाद में यहाँ पर आपको सबमिट का बटन दिखाई दे रहा होगा इस सबमिट के बटन पर आपको यहाँ पर सिंपली क्लिक करना है अब ये कह रहा है कि प्लीज़ चेक ओ टी पी सेंड ई मेल तो यहाँ पर अब आपके uh, उस ई मेल आई डी पर ओ ओ टी गया होगा पहले तो आपको क्लिक हेयर उसके उस वाले ऑप्शन पे क्लिक हेयर करना है और ये ओटीपी वाला जो ऑप्शन है वो दोबारा ओटीपी वाला ऑप्शन आएगा यहाँ पर आप लोगों को जो ओटीपी आएगा वो ओटीपी टी पी आपको फिलप करना है जैसे फिलहाल यहाँ ओटीपी आ, आ चुका है तो यहाँ पर मैं ओटीपी डाल देता हूँ और यहाँ पर वेरीफाई पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर जो ओटीपी ओटीपी वेरीफाई हो जाएगा जो ई मेल आई 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 डी वो ईल आई डी यहाँ पर वेरीफाई हो चुकी है तो ई मेल आई डी यहाँ पर वेरीफाई हो चुकी है फिर से यहाँ पर आपको क्लिक करना है क्लिक हेयर टू गो होम गो होमवर्क ऑप्शन पर क्लिक करना है अब यहाँ पर आप लोगों को पेमेंट कटवाना देखिए अब पेमेंट का ऑप्शन यहाँ पर चालू हो चुका है पे एग्जामिशन फीस यहाँ पर पंद्रह सौ रुपये फीस लगेगी तो ऑनलाइन यहाँ पर आपको पेमेंट कटवाना है तो ऑनलाइन पेमेंट आप कटवा सकते हैं घर बैठे भी कटवा सकते हैं मोबाइल से कंप्यूटर से आप लोग पेमेंट कर सकते हैं तो यहाँ पर प्रोसेस टू पेमेंट पर क्लिक करना है यहाँ पर ओके पे क्लिक करना है अभी उसके बाद में इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है क्लिक करने के बाद में आपको प्रोसेस फॉर पेमेंट इस वाले ऑप्शन पर आपको सिंपली क्लिक करना है क्लिक करने के बाद में आप देखिए यहाँ पर पंद्रह सौ रुपये कटेंगे अब आप लोग पे कैसे करना चाहते हैं एच डी बी एस सी क्रेडिट कार्ड से करवाना चाहते हैं या नेट बैंकिंग से करवाना चाहते हैं या फिर कोई दूसरा बैंक आपके पास में है तो उसके क्रेडिट कार्ड से करवाना चाहते हैं या फिर ए टी एम कार्ड जिसको हम डेबिट कार्ड भी कहते हैं ए टी एम कार्ड से भी आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं चाहे तो आप लोग नेट बैंकिंग का भी यूज़ कर सकते हैं तो फिलहाल यहाँ पर जैसे मेरे पास में नेट बैंकिंग है तो नेट नेट बैकिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ अब किस क्या कौन से किस बैंक की नेट बैंकिंग है यहाँ से आप लोग उसको सेलेक्ट कर लेना है जैसे फिलहाल मेरे पास मान लीजिए एस बी आई की जो नेट बैंकिंग है यहाँ पर सर्च योर बैंक पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप लोग उस बैंक का नाम सर्च कर सकते हैं तो एस बी आई की जो नेट बैंक सेलेक्ट कर लिए हैं अब सेलेक्ट करने, करने के बाद में देखिए अगला पेज यहाँ पर ओपन हो, हो जाएगा अब उसके बाद में यहाँ पर आप लोगों को नेट बैंकिंग का आईडी और पासवर्ड डालना है और लॉग इन कर लेना लॉग इन करने के बाद में मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा ओ डालना है ओ डालने के बाद में आपका जो पेमेंट वो पेमेंट सक्सेसफुली हो जाएगा सक्सेसफुली होने के बाद में आप लोग इसका जो फॉर्म का प्रिंट आउट वो प्रिंट आउट ले सकते हैं नहीं तो आप लोग अपने मोबाइल में इसको सेव वीडियो बनाकर सेव कर सकते हैं तो इस तरह से आप लोग जो के जो केंद्रीय विद्यालय की वैकेंसी है टी और पी दोनों के लिए जो फॉर्म बनेगा जो प्रोसेस हो बिल्कुल सेम टू सेम है तो आप लोग यदि दोनों फॉर्म बना चाहते हैं दोनों फॉर्म भी भर सकते हैं यदि आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन है तो नहीं तो आप लोग जो भी आपके पास में टी या पी जी का फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो आप लोग इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना शेयर करना और यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की जो ऑनलाइन वीडियो है वो सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे थैंक यू